राधे राधे, कैसे करें एक घड़ी से घर का वास्तु दोष ठीक। ज्योतिष शास्त्र की अनेक शाखाओं में से एक शाखा वास्तु शास्त्र है। वास्तु का ठीक होना घर के लिए बेहद जरूरी है। किसी कारण से यदि घर में रखी वस्तुएं या फिर घर का निर्माण कार्य वास्तु अनुसार नहीं होता तो घर में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती हैं, जिसके चलते परिवार में काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर की तरक्की नहीं हो पा रही है और आप आर्थिक सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो बस एक सरल सा उपाय अपनाकर आप अपने घर की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। एक घड़ी के माध्यम से भी आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि घर में घड़ी किस आकृति की लगाना चाहिए, किस तरह की घड़ी लगाने से घर में अच्छा माहौल बना रहता है। वास्तु के अनुसार इस दिशा में लगाएं घड़ी। वास्तुशास्त्र की माने तो घड़ी को लगाने की सबसे सही दिशा होती है पूर्व, पश्चिम या उत्तर। इस दिशा की दीवार पर घड़ी लगाने से घर ऑफिस के लोगों के सभी सदस्य जरूरी काम बिना किसी विघ्न के पूरे हो जाते हैं। अगर आप अपने घर और ऑफिस में घड़ी लगा रहे हैं तो दिशा का ध्यान अवश्य रखें। वास्तु के मुताबिक घड़ी को पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना सही रहता है। इससे हमारे काम बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए घड़ी लगाते समय इनमें से किसी एक दिशा में लगाएं। किस आकार की लगानी चाहिए घड़ी? वास्तुशास्त्र के अनुसार गोल, चौकोर, अंडाकार व 8 व 6 भुजाओं वाली घड़ी लगानी चाहिए। इससे सकारात्मकता बढ़ती है। घर की दीवार पर पेंडुलम वाली घड़ी लगाने से लाभ होता है। दीवार पर पेंडुलम वाली घड़ी लगाने से समय अच्छा बना रहता है और जीवन से तकलीफें दूर होती हैं। पेंडुलम वाली घड़ी को घर के ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। इसके साथ ही घड़ी का सही आकार भी होना जरूरी है। इसलिए घड़ी खरीदते समय घड़ी के आकार का पूरा ध्यान रखें। 4 दिशाएं उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण प्रमुख हैं। सभी दिशाओं की कुछ न कुछ विशेषता भी होती है। उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा का विशेष महत्व है। आज हम आपको वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा का महत्व बताने जा रहे हैं। उत्तर दिशा का महत्व। उत्तर दिशा को वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार मानी जाती है। साथ ही इस दिशा को देवताओं की दिशा भी कहा जाता है। साथ ही इस दिशा में धन के देवता कुबेर के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी का भी वास माना गया है। तिजोरी रखने की सही जगह। वास्तुशास्त्र कहता है कि तिजोरी या लॉकर को उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इससे आपके ऊपर कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही इस दिशा में माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करके विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को कभी आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़ता है। उत्तर दिशा में रखें ये पौधे, मनी प्लांट जैसा जिसके नाम से ही प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है कि मनी प्लांट को घर में रखने और उसके फलने फूलने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। साथ ही सनातन धर्म में पवित्र मानी गई तुलसी को भी उत्तर दिशा में ही रखना लाभकारी माना जाता है। घर की रसोई। वास्तु के अनुसार घर की रसोई भी उत्तर दिशा में ही होनी चाहिए। ऐसा करने से कभी भी अन्न की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके साथ ही उत्तर की दिशा में मौजूद दीवारों पर हल्के नीले रंग का पेंट करवाना चाहिए। वास्तु से जुड़ी हुई ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।